चैनल मेंटर हदीजा व्यूअर्स, ये मेरी सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आज कुकिंग करूंगी और कुकिंग करते हुए मैं आज बनाऊंगी दही भले। दही भले बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो है, वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 किलो हमने दही ले लेना है। यहाँ पे हमने 2 कटोरी बेसन ले लिया है, आधा हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आप चाट मसाला ले लें, ये हाफ से थोड़ी सी थोड़ा सा कम हमने नमक ले लिया है, ये हाफ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा ले लिया है, वाटर, और ये 3 से 4 टेबल स्पून हमने पाउडर शुगर लिया है। यहाँ पे हमने इमली का पल्प ले लिया और ये हमारी पापड़ी जो कि ऑप्शनल है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके लिए बैटर बना लेंगे ठीक सा। तो उसमें हम सॉल्ट डालेंगे, बेकिंग सोडा, 6 से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। हमारे बेसन और जो हमने बेकिंग सोडा और सॉल्ट डाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे ठीक से। बैटर हमारा रेडी हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए। अब हम दूसरी तरफ अपना ऑयल गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, बबल्स आना शुरू हो गई है। अब हम स्पून की मदद से अपने बड़े बनाना शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं लेना है बैटर, बस थोड़ा सा लेना है ताकि वो बहुत ही बड़े नहीं बने। जब आप इसको इस तरह करेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपके बड़े क्रिस्पी हो गए हैं। अभी इनमें थोड़ा सा फर्क है तो इनको थोड़ा सा और पका लेंगे। बड़े हमारे क्रिस्पी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे सारे बन गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। तैयार हो गए, अब हम दूसरी तरफ अपना दही तैयार कर लेंगे। इसमें हमें अपने बड़ों को ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें जो हमने शुगर ली थी वो डाल देंगे, ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही लेंगे। साथ ही साथ हमें सफाई का भी बहुत ख्याल रखना है। दही और शुगर पाउडर मिक्स हो चुके हैं अच्छे से, और इनको देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया क्योंकि मैं रोजे में हूँ। वीडियो के एंड पे मैं आप सब लोगों को एक अहम बात बताऊंगी, लेकिन अभी हमारे बड़े ठंडे हो चुके हैं तो इनको पानी में तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए डिप कर देंगे और इसको फिर अच्छे से इनके अंदर से पानी निकाल लेंगे और फिर जब ये अच्छे से इनमें से पानी निकल जाएगा तो हम इसको डिश में रख देंगे। हमारे बड़े खत्म हो गए हैं, अब हम
अपने बड़ों के ऊपर अच्छे से दही डाल लेंगे, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो बहुत ज्यादा दही को अब्सॉर्ब करेंगे, तो ज्यादा से डालेंगे। बड़े हमारे तैयार हो गए थे बड़े, और अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह। ओह हाँ, खास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। खास बात ये है कि आप जाएं और मेरी रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि मेरी रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है और बनेगी भी है बहुत यम्मी यम्मी। और अगर आपकी ये रेसिपी अच्छी बन जाए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाय बाय।